नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की विवादों में घिरी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स मध्य प्रदेश में बैन की जाएगी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। वे मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोनिया गांधी को खुर्शीद की किताब के बेहद विवादास्पद अंशों को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिना देर किए साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुर्शीद की किताब बेहद निंदनीय है। हिंदुत्व को खंडित करने और हिंदुओं को जाति में बांटने का कोई भी अवसर ये लोग नहीं छोड़ते हैं। देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले विचारों को आगे बढ़ाते हैं। देश की मौजूदा स्थिति और हिंदुत्व की आतंकवादी संगठनों से तुलना को रेखांकित करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के ही लोग खुर्शीद की लिखी हुई कुछ बातों से सहमत नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने हिंदुत्व की तुलना इस्लामिक स्टेट से किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि हम एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में हिंदुत्व से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आईसिस या जिहादी इस्लाम से इसकी तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत है और चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर कहने के समान है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कंगना के आज़ादी के विवादास्पद बयान को लेकर कहा कि अभिनेत्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और दिया गया पद्मश्री पुरस्कार भी वापस ले लेना चाहिए। नवाब मलिक ने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा कि अभिनेत्री ने जरूर यह बयान ड्रग्स के प्रभाव में दिया होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कंगना ने ऐसा बयान देने से पहले मलाना क्रीम की भारी डोज ली थी। एनसीपी नेता ने कहा कि हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। कंगना रनौत की आज़ादी को लेकर बेहूदी टिप्पणी पर कांग्रेस ने भी निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कंगना रनौत का बयान महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे साहसी स्वतंत्रता सेनानियों और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कई अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान का अपमान करता है, इसलिए राष्ट्रपति जी को रनौत को दिया गया पद्म पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के पुरस्कार देने से पहले मानसिक मनोचिकित्सीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे व्यक्ति राष्ट्र और उसके नायकों का अपमान न करें। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कंगना रनौत के विवादास्पद बयानों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और राष्ट्र को बताना चाहिए कि क्या वह रनौत के विचारों का समर्थन करते हैं। यदि नहीं तो सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अपने भीख में मिली आज़ादी वाले बयान पर कायम है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के द्वारा कड़ी आलोचना के बाद कंगना ने भी उन्हें जवाब दिया है। वरुण गांधी को जवाब देते हुए कंगना ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि मैं इस बात को कह चुकी हूं कि 1857 की लड़ाई पहली क्रांति थी जिसे कुचल दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों की ओर से और अत्याचार हुए और लगभग एक सदी बाद हमें गांधी के भीख के कटोरे में आज़ादी दी गई। इसके साथ उन्होंने वरुण गांधी से कहा कि जा और रो अप। बता दें, कंगना ने एक टीवी न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में कहा था कि असली आज़ादी हमें 2014 में मिली, उससे पहले की आज़ादी भीख में मिली थी। जिसके बाद वरुण गांधी ने कंगना को निशाने पर लेते हुए कहा था कि इसको पागलपन कहूं या देशद्रोह। सोनीपत की पहलवान निशा और उसके भाई सूरज की हत्या के मामले में आरोपी पवन और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, बुधवार को हरियाणा के सोनीपत के गाँव खरकौंदा में पहलवान निशा और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पहलवान निशा की माँ भी गंभीर रूप से घायल हुई और अस्पताल में भर्ती हैं। तब से ही पुलिस निशा के कुश्ती के कोच पवन और उसके सहयोगी की तलाश कर रही थी। बता दें, अभी तक हत्या के पीछे का कारण पता नहीं चला है। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांव बसाए जाने की रिपोर्ट पर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने विदेश मंत्रालय से अलग बयान दिया है। CDS बिपिन रावत ने किसी भी प्रकार के गाँव बसाए जाने की बात को खारिज कर दिया। वहीं गुरुवार को अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से उस अमेरिकी रिपोर्ट के बारे में पूछा गया जिसमें कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 100 घर बसा लिए हैं, इस पर उन्होंने कहा था कि जैसा कि हमने तब कहा था, चीन ने सीमावर्ती इलाकों में निर्माण गतिविधियों को शुरू किया है, इसमें दशकों से किया गया अवैध कब्जा भी शामिल है। बागची ने कहा कि लेकिन भारत ने ना तो हमारे क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार किया है और ना ही चीन के अनुचित दावों को स्वीकार किया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां पहले शुरू कर दी हैं। अब ये तैयारियां निर्णायक स्थिति में पहुंच गई हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को वाराणसी में एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और राज्य के दूसरे नेता भी होंगे। ये बैठक ऐसे समय होगी जब बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को ही चुनाव में आगे करने, उन्हें ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करने की रणनीति बनाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों को जो चंदा मिला उनमें 55% से अधिक का स्रोत अज्ञात है, यानी ये नहीं पता कि किसने वो पैसा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात स्रोतों से लगभग 95% चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का योगदान दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 25 क्षेत्रीय दलों को कुल 803 करोड़ से अधिक रुपए का चंदा मिला, जबकि 445.7 करोड़ रुपए मिलने के सोर्स की कोई जानकारी नहीं। हाल ही में फिल्म मेकर प्रकाश झा और उनकी टीम पर हमला करने वालों में मुख्य आरोपियों में से एक बजरंग दल का एक नेता था, जो पहले हत्या के केस में भी दोषी ठहराया जा चुका है। NDTV के अनुसार वेब सीरीज आश्रम बना रही टीम पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए 7 लोगों में ये सुरेश सुदेले नाम का शख्स भी गिरफ्तार किया गया था। ये बजरंग दल की भोपाल इकाई का प्रांत प्रमुख है। हालांकि गिरफ्तार किए गए इन सभी 7 लोगों को एक दिन बाद ही जमानत मिल गई। पुलिस का कहना है कि इस बात के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आश्रम की टीम ही कथित तौर पर दबाव बनाने के लिए इच्छुक नहीं थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।